सबसे पहले संविधान दिन के उपलक्ष्य में भारत के तमाम संविधान सम्मान में जीने वाले नागरिकों को, देश प्रेमियों को इस दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। और मेरा यह मानना है, सही मायने में भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन देश आज़ाद हुआ सही मायने में 26 नवंबर 1949 को। बाबा साहब ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब ने इस देश में संविधान जिस दिन अर्पण किया 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन सही मायने में देश आज़ाद हो गया है और देश की जनता सही मायने में आज़ाद हो गई है। हमें 15 अगस्त के साथ साथ संविधान दिन भी बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। 1949 को 50 को संविधान की जितनी आवश्यकता इस देश को नहीं थी, आज उतनी आवश्यकता 2016 को इस देश में और देश के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज को सही मायने में आज संविधान की जरूरत है। और संविधान ही इस देश को अखंड रखने में सक्षम है। आने वाले दिनों में यह बात पूरे दुनिया जान लेगी कि भारत ही, भारत का संविधान ही वो ग्रंथ है जो भारत को अखंड और समता के प्रारूप में चलने के लिए बाध्य करने वाला, समता की राह पर सबको लेकर चलने वाला यही संविधान कहलाएगा। और यही संविधान पूरे दुनिया में एक आदर्श संविधान के तौर पर आने वाले दिनों में उभरेगा। यही कामना करते हुए फिर से सबको और कांशीराम टीवी को संविधान दिन की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभेच्छा देते हुए।